चुनावी समर में राजनेताओं की जुबानी जंग सामने आ रही है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक चौधरी उदयभान सिंह ने अपने पुत्र संजीव पाल के साथ प्रेस वार्ता कर मौजूद भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल को खरी खोटी सुनाई, तो वहीं शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल ने चौधरी उदयभान को दो टूक में जवाब दे दिया। लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 में मैदान में चुनावी जंग लड़ने वाले नेताओं की जवानी जंग शुरू हो गई है। एक दूसरे के लिए अपशब्द कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और आगरा फतेहपुर सीकरी विधानसभा से विधायक रहे चौधरी उदयभान ने अपने पूर्व संजीव पाल के साथ प्रेस वार्ता कर फतेहपुर सीकरी विधानसभा के मौजूदा भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल पर जुबानी हमला बोला था। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान ने चौधरी बाबूलाल के लिए अपशब्दों की बौछार लगा दी थी। इसके बाद ताजनगरी आगरा के राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया था। चौधरी उदयभान के जवानी हमले के बाद फतेहपुर सीकरी विधानसभा से मौजूदा विधायक चौधरी बाबूलाल ने भी पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान को दो टूक शब्दों में जवाब दे दिया। मंत्री जी, कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे और विधायक भी रहे चौधरी उदयभान और उनके बेटे ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता में तमाम तरीके के आरोप और कीचड़ उछाली गई है, क्या आखिर क्या वजह रही है? नहीं, उदयभान जी बड़े आदमी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और जो उन्होंने प्रेस में कहा है हम उसके ऊपर अपनी जवान खराब नहीं करना चाहते हैं। पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान के शब्दों का जवाब देते हुए मौजूदा भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने कहा कि चौधरी उदयभान हमारे बड़े भाई हैं और हम किसी पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, हम अपनी जुबान गंदी नहीं करना, मगर जनता सब जानती है, चाहे बाबूलाल हो, चाहे चौधरी उदयभान हो या फिर राजकुमार क्यों ना हो, कि कौन जनता के लिए कसौटी पर खरा उतरा है। हम किसी की प्रतिक्रिया देकर अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहते। जनता में चाहे वो बाबूलाल हो, चाहे उदयभान जी हो, चाहे राजकुमार जी हो, सबके बारे में जनता के पास कसौटी है। जनता सबके बारे में जानती है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है। हमें उसके बारे में अपनी जवान गंदी नहीं कर रहे, ना उन पर कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं। मौजूदा भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने भी पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान को उन्हीं के शब्दों में जवाब दिया है। पर्दे के पीछे चौधरी बाबूलाल ने और भी कुछ कहा है। बहरहाल यह कोई पहला मामला नहीं है, जब जब चुनाव आए हैं तब तब नेता आमने सामने आए हैं। मून न्यूज के लिए प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।